देखिए, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स सर्कुलर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस चैप्टर कर रहे थे, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस किसके हैं, ग्रेगरी सीरीज के हैं। तो आज मैं उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आपको वो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, पहले ये देख लेते हैं कि ग्रेगरी सीरीज होती क्या है। यहाँ पर ग्रेगरी सीरीज का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू होगी थीटा, किसके बीच में है वो, थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, ओपन इंटरवल गिवन है हमें। थीटा इनके बीच में अगर लाई करेगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, ग्रेगरी सीरीज। ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे, क्वेश्चन इसके बेस पे आते हैं डायरेक्टली। देखिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट थीटा माइनस 1/3 टेंजेंट क्यूब थीटा, ऑड पावर्स चलेंगे। ठीक है, और प्लस माइनस कंजुगेट में चले, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग चलेगा हमारे पास, पहले माइनस आ जाएगा फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी ग्रेगरी सीरीज होती है। लेकिन मोस्टली फॉर्म इसकी ये होती है हमारे पास, जो क्वेश्चन करने में हम ज्यादातर यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करता है, सिर्फ थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अगर थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स एक्स पुट कर देंगे, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बच जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स रेस टू द पावर 5, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये तो ये इसके अनदर फॉर्म है, ये ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, इसके बेस पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें अगर वो इस सीरीज का दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। प्रूफ करना है हमें पाई बाय फोर इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/3 2/3 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 1/5 फाइव, यहाँ पर क्यूब है, प्लस 1/7 रेस टू द पावर 5, ऐसे चलता जा रहा है अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कैसे बनेगा, हम क्या कर लेते हैं, इसमें से ये वाली टर्म्स जो फर्स्ट वाली है वो अलग कर लेंगे और जो 7 वाली है वो अलग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेगरी सीरीज है उसमें सिर्फ एक ही टर्म रिपीट होनी चाहिए, ये तो अलग अलग है। ठीक है, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं हम, 2/3 माइनस 2/3 रेस टू द पावर 4 और प्लस 1/5, 2 आ जाएगा, 5 रेस टू दी, हाँ 5 × 3 रेस टू दी पावर 5, ऐसे चलता जा रहा है, और प्लस 1/7 माइनस 1/3 × 7 रेस टू दी पावर 3 और प्लस 1/5 × 7 रेस टू दी पावर 5। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें से 2 कॉमन आ रहे हैं क्योंकि 2 हमें नहीं चाहिए, इस टाइप का कुछ भी नंबर नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखिए 1/3 बचा, इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, 3 × 3 रेस टू द पावर 3, ठीक, माइनस 1/3 इंटू दिस, फिर प्लस 1/2 तो कॉमन ले लिया हमने, 5 × 3 रेस टू द पावर 5। ठीक है, प्लस 1/ ये एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 1/5 × 7 रेस टू द पावर 5। ठीक है, अब देखिए 2, पहले हमारे पास 1/3 है, फिर माइनस 1/3 करके 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, जो 1/3 रेस टू द पावर 3 है, फिर प्लस 1/5 है और 1/3 रेस टू द पावर फिर 5 हो गया। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, माइनस आएगा नेक्स्ट टर्म में। इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बनेगी, प्लस 1/7 और माइनस 1/3, 1/7 रेस टू द पावर 3, ठीक है, 1/5 और 1/7 रेस टू द पावर फिर 5। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है हमारे पास। अब देखिए जो हमने अभी ग्रेगरी सीरीज लिखी थी उसके अंदर क्या था हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेस टू द पावर 5/5, ऐसे चलता जा रहा था।
तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है, x, ये x हो गया, ये x क्यूब, x रेस टू द पावर 5 और साथ में माइनस 1/3 है, प्लस 1/5 है, ठीक है। तो ग्रेगरी सीरीज से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स x, x की वैल्यू क्या है 1/3, तो टेंजेंट इनवर्स 1/3 होगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में देखिए पुट कर देते हैं हम, इसकी वैल्यू आ गई 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 और प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। बस अब हम इनको खोल के ये दिखा रहे हैं कि पाई बाय 4 आना चाहिए। देखिए करते हैं, यहाँ तक तो हमने सिर्फ ग्रेगरी सीरीज का यूज़ किया है, अब हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्योंकि इनवर्स का यूज़ हो रहा है तो इनवर्स के लगाने आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स, 2 टेंजेंट इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2x/1 - x², मतलब कि 2 × 1/3 बाय 1 माइनस इसका स्क्वेयर, तो 1/9, ठीक है, ये एज इट इज टेंजेंट इनवर्स 1/7। इसको ओपन कर दीजिए आप, टेंजेंट इनवर्स 2/3 और नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8/9, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4, ठीक है, और माइन प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 = 7, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब टेंजेंट एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1/7। सोल्व कर दीजिए, टेंजेंट इनवर्स एलसीएम ले लेंगे 28, 4 और 1 माइनस 3/28, एलसीएम ले लेते हैं 28 बाय में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो टेंजेंट इनवर्स ऊपर आ गया 25 और नीचे भी 25, तो आंसर आ गया टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, यही हमें शो करना था कि आंसर कितना आना चाहिए, पाई बाय 4, ठीक है। तो इस टाइप से हम ग्रेगरी सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, हमें ये इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसको ग्रेगरी सीरीज से ओपन कर देंगे और फिर देखते हैं इसके इक्वल आंसर आता है या नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 अप टू 4, ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास और कोई टर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर साथ में 1 ही चल रहा है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 1/3 साथ में 1 का क्यूब और प्लस 1/5 1 की पावर 5, ठीक है, माइनस 1/7 1 रेस टू द पावर 7, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो देखिए इसका फोर आंसर क्या आएगा, बाय ग्रेगरी सीरीज टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास, पाई बाय 4, ठीक है, तो पाई बाय 4 आ गया इसका आंसर, इसका आंसर पाई बाय 4 और साथ में क्या है 2√2, तो हमें क्या करना है 2√2 इसके साथ पाई बाय 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है, हमारे पास क्या आ जाएगा पाई, और क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बच जाएगा। देखिए यही प्रूव करना, कोई भी क्वेश्चन हो हमें सिर्फ क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम ग्रेगरी सीरीज में डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकें उसका, ठीक है। तो इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएंगे अगर आपको ग्रेगरी सीरीज अच्छे से आती है, और आपको एट ए टाइम ये समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करूँ, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया, उसके बाद हम नंबर थ्योरी स्टार्ट करेंगे। आपको जिसको भी नंबर थ्योरी में कोई भी डाउट हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू।